अर्जुन ने धोखे से कर्ण को बुरी तरह घायल करके जमीन पर गिरा दिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र में घायल पड़ा कर्ण अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, तो उधर पांडवों के खेमे में कर्ण के मारे जाने की खुशियां मनाई जा रही थी। अपने सबसे बड़े दुश्मन कर्ण को मारने के बाद अर्जुन बहुत खुश था। इस खुशी में ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे बोले कि भगवान, अब तो आपका दानवीर इस दुनिया से चला गया है, अब आप किसे दानवीर कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की खुशी और बातों में अहंकार झलकता हुआ दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए कहा कि हे अर्जुन, महारथी कर्ण दानी ही नहीं महादानी है। इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि उसके काल में उससे बड़ा दानी कोई नहीं हो पाया। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की कही हुई ये बात हमेशा की तरह चुभ गई। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि कर्ण महादानी है, यह बात अब कैसे साबित हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण को तो अर्जुन का अहंकार तोड़ना था, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ कर्ण अभी भी इस बात को साबित कर सकता है। कृष्ण जी की यह बात सुनकर अर्जुन को और भी ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि हे केशव, अब तो आपको यह बात साबित करानी ही पड़ेगी, और अगर कर्ण इस बात को साबित कर देगा तो आपकी तरह मैं भी उसे महादानी मान लूंगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ ब्राह्मण रूप बनाया और कुरुक्षेत्र में उस स्थान पर पहुंच गए जहां घायल कर्ण अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। कर्ण के पास आकर ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूं, परंतु आपकी यह स्थिति देखकर मुझ में आपसे याचना करने का साहस भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं जिस प्रकार आया था उसी प्रकार वापस चला जाता हूं। इतना कहकर ब्राह्मण के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वापस चल पड़ते हैं, तो कर्ण उन्हें रोक के कहता है कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मेरे पास आया हुआ याचक खाली हाथ चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कर्ण उन ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे ब्राह्मण, मेरे दो दांत सोने के हैं, आप मेरे इन दांतों को तोड़ लीजिए। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दान आप दे रहे हैं अंगराज, तो आपके दांत तोड़ने का पाप मैं क्यों करूं? यदि आपको दान देना ही है तो आप अपने दांत अपने आप तोड़ कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर घायल पड़े कर्ण ने पास पड़े पत्थर को उठाकर अपने दांत तोड़ दिए और भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ाकर कहा, ये लीजिए ब्राह्मण देव। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के खून से सने हुए दांतों को देखकर कहते हैं, अंगराज, आपके दांत तो रक्त से सने हुए हैं, इन्हें मैं भला कैसे ले सकता हूँ? अगर इन्हें आप देना चाहते हैं तो इन्हें पानी से धो के दीजिए। कृष्ण जी की बात सुनकर कर्ण कहता है कि ठीक है ब्राह्मण देव, आप मेरा धनुष और बाण उठा के मुझे दे दीजिए तो मैं अपने दांतों को पानी से धोकर दे देता हूँ। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो कि कर्ण की दानवीरता की परीक्षा ले रहे थे, वो कर्ण से कहते हैं कि क्षमा करें राजन, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण अपने दूर पड़े धनुष और बाण को देखता है, फिर घिसकता हुआ किसी तरह अपने धनुष के पास जाता है और अपना धनुष उठाकर उस पे बाण चढ़ाकर धरती पे मारता है, तो जमीन से एक पानी की धारा बह निकलती है। तो कर्ण उस धारा में अपने दांतों को धोता है और ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण को उन दांतों को देकर प्रणाम करता है। यह देख भगवान श्री कृष्ण के साथ आए अर्जुन को एक बार फिर लज्जित होना पड़ जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के सामने अपने वास्तविक रूप में आते हैं और कर्ण से कहते हैं कि हे दानवीर कर्ण, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम सच में महादानी कर्ण हो।